कहेंगे धनवान व्यक्ति सुखी होते। धनवानों से पूछा जाए, महाराज कहिए आप सुखी हैं क्या? कहेंगे नहीं नहीं बाबा मैं सुखी नहीं, सुखी तो राजा होते हैं। कहते कहते अंतिम में जाकर उपदेश उन्होंने किया, कहा तुलसीदास बिचारी कहे हरे भजन बिना सब जीव दुखा दे। परमात्मा के वजन के बगैर यदि कोई सुख चाहेंगे ये संभव नहीं है। सुख यदि हम लोग पाना चाहते हैं, परम आराध्य देव ने कहा गुरु की आज्ञा मान प्यारे। क्या मानेंगे? गुरु की आज्ञा को मानेंगे। तो गुरु की आज्ञा क्या है? क्या घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन जाना? क्या नहीं, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर सदा गुरु की कही। क्या गुरु की आज्ञा? जो निज घट रस चाहो। ऐ संसार के लोगों, जो निज घट रस चाहो तो अपने को हरदम क्या करना है? तो अपने को हरदम पांच पाप से हरदम खूब बचाओ। भगवान बुद्ध के मौसेरा भाई वैराग्य हुआ, अपनी पत्नी से कहा देवी वैराग्य आया, घर परिवार का सुख अच्छा नहीं लगता, घर परिवार का सुख को मैं छोड़ना चाहता हूं, मैं जोगी फकीर का संग अपनाना चाहता हूं। जोगी फकीर बनेंगे? तो हाँ हाँ मैं जोगी फकीर बन जाऊंगा। क्यों बनेंगे जोगी फकीर? कारण क्या है जोगी बनने की? तो दीदी घर परिवार में रहता हो उलझल पे उलझन आते रहता है, मैं भजन नहीं कर सकता, भजन में बाधा होता है। उनकी पत्नी कहती है महाराज मैं मना नहीं करूंगी, भजन तो पवित्र चीज है, जाइए भजन कीजिए तपस्या कीजिए, लेकिन कभी कभी मेरा भी ख्याल कीजिएगा। गए वैराग्य था, ध्यान भजन करने लगे, तो ध्यान भजन में लोग आगे बैठता है तो नीचे भी गिरने का प्रयास होता है। उच्च निवास नीच कर तो ती, जब आगे बढ़ेंगे ना देवी देवताएं नीचे गिराने के प्रयास करेंगे। यदि उस दुख को आप झेल के ऊपर बढ़ते जाएंगे पुनः तो संसार का व्यक्ति का दाल नहीं गलेगा। अभी नीचे गिर गए तो फिर गिरे ही रह जाएंगे, उठने फिर समय लगेगा। तो गुरु की कृपा से कुछ भी हो सकता है, ये मैं नहीं जा सकता। उंगलीमाल के जीवन में एक बार संत का दर्शन हुआ, जीवन बदल गया। तो सन्यास वस्त्र लेके भिक्षु बन के ध्यान कर रहे थे। एक बार मैं कुछ दिन ध्यान भजन किया तो वन में आया, मेरी पत्नी कही थी मना नहीं करूंगी जाइए, लेकिन कभी कभी मेरा भी ख्याल कीजिएगा, आप मैं घर जाऊंगा। गुरु महाराज कहा करते थे डंके के साथ, क्या महात्मा हो कि गृहस्थ हो, सबों के लिए कहा गया है यदि मन संसार में थोड़ा सा भी फंस गया,
मन यदि संसारी विषय वासना में लिप्त हो गया, सन्यासी का सन्यास वस्त्र दिया हो बेकार हो जाता है। क्योंकि गुरु महाराज कहा करते थे, यह वस्त्र साधारण नहीं है, कसाई का वस्त्र होता है। उन्होंने कहा देखो मैं मना नहीं, मेरा मन कर रहा है मैं घर जाऊं, मैं ये वस्त्र को गंदा नहीं करना चाहता हूं, मैं घर जाऊंगा। आनंद ने कहा मैं वस्त्र नहीं ले सकता, आप स्वयं प्रभु को कहिए, बंते भगवंत को कहिए आप। सोचना मिला, भगवान बुद्ध ने कहा अरे आजकल तुम घर जाने के लिए जा रहे हो, घर जाओ जगह चाहते हो तो ठीक है, घर जाना, लेकिन मेरे सामने बैठ के तुम ध्यान करो, एक दृष्टि करे संशय जानो, जोगी कहिए सोई। भजो भाई गुरु गुरु, हरद देव की वाणी है, भजो भाई गुरु 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 रूप ध्यान धरो, असन्मुख बिंदु निरेखो, सुख क्या है अपने ही अंदर में, ऐसा सुख का अनुभव होगा, ऐसा सुख का अनुभव कि संसार के दुख को मन देखने का नहीं करेगा। रज्जब जी महाराज ने आंख में पट्टी बांध लिए थे, दुनिया वाले ने कहा ए रज्जब आंख में पट्टी क्यों बांधे हो, क्या कारण है? का जिस ईश्वर को मैं देखना चाहता हूं, वो ईश्वर को मैंने दर्शन कर लिया, मेरे आधा हृदय शरीर छोड़ के चले गए, मैं इस आंख से अब मैं क्या देखूं? जीवन के मैं दर्शन जिनका करना था कर लिया, अब चमड़े का आंख से मैं क्या देखो, मन नहीं करता कुछ देखने का। भगवान बुद्ध ने कहा मेरे सामने तुम बैठ के ध्यान करो, जो ही बैठ के ध्यान करने लगा, ध्यान में जब मन लगा, आंख को खोलो बेटा, आंख को खोला, भगवान बुद्ध ने पूछा अरे क्या देखा, देखा विविध प्रकार, क्या देखा, हमारा सुंदर सुंदर नारियों को मैंने देखा, कैसी नारियों थी, तुम्हारी पत्नी की सुंदरता था या नहीं, का भगवान तुझे सुंदरता मेरी पत्नी के मुख में होगा, उनसे करोड़ गुना अधिक सुंदरता देवियों की है, पांव के तलवे में था। कुछ दिन और तुम ध्यान भजन करो, मैं तुम्हारे चरणों में सर्वसमर्पण कर दूंगा, सेवा करेगी। परमारथ देव की वाणी है, भोग प्रत्यक्ष रोगन इनसे सदा हटते रहो, अगुरु टहल सत्संग सेवन में सदा क्या है डटते रहो। मन लगाया, कुछ दिन पूरा अपना भगवान बुद्ध ने बुलाया, अरे बेटा आओ मेरे पास, अब बैठ के ध्यान करो, ध्यान करने लगा, अब क्या देखता है, अब जाओ घर, मैं घर तुम्हें भेज रहा हूं, कितने नारी को ले जाना चाहती है बोलो। भगवान बुद्ध का चरण पकड़ लिए, प्रभु जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख कहां अमीरी में, अब आपका चरण का सुख चाहिए, अब संसारिक चरण का मैं आश नहीं कर सकता, आपका चरण का सुख चाहिए। गुरु का चरण क्या है, भाव पर काश मिटल अंधियारी, असुख भैल भव तेर, ऐसा सुख होगा कि संसारिक चरण को देखने का भी मन नहीं करेगा। इसके लिए हम लोगों को अंदर मुखी बनना पड़ेगा, बाहर से मन को मोड़ना पड़ेगा, अंतर पथ चालो और
प्रभु को पालो, अपने अंदर में डुबकी लगाना होगा। अपने अंदर में जब डुबकी लगाएंगे तब गुरु का दर्शन होगा। जब गुरु रूपी दर्शन का एक बार अपने अंदर अनुभव कर लेंगे, तो गुरु का दर्शन जब एक बार हो गया तो आरत देव ने कहा, पाप समोह दरसते भागे, पुण्य सकल क्या है, नगरी पुण्य की प्राप्ति होगी। सुख रूपी महल में तब प्रवेश कर जाओगे। एक दिन कहा, कौन? तामसेन। तामसेन संगीत सुनाते थे। राजा के दरबार में राजा साहब ने कहा, अरे तामसेन तुम बहुत सुंदर गाता है, तुम्हारा राग दिल को छू लेता, झकझोर कर देता, सुंदर गाता है। तामसेन ने कहा, सरकार मेरा सुने है ना? कहा आप मेरा कुछ नहीं सुने, मेरे आराध्य देव का जब सुनेंगे ना वो मेरे साथ करोड़ गुना से सुंदर गाते हैं, सुनाओगे? कहा गए गुरु हरि दर्शन जी महाराज जी के पास। तामसेन हरि दर्शन जी महाराज का चरण वंदन किया, चरण छुआ, हरि दर्शन जी महाराज ने कहा, अरे तामसेन तू कहां चला गया था? बहुत दिन से संगीत नहीं सुनाया है, संगीत सुनाओगे? मन की बात गुरु जानते हैं, संगीत सुनाने के लिए ही गए थे। मन के बात परमारथ देव जानने वाले होते हैं। एक बार गुरु महाराज कुप्पा घाट में थे, मायागंज हॉस्पिटल में डॉक्टर ड्यूटी करते थे, शंकर बाबू। वो अपने घर में थे, संध्या वेला संध्या वंदन किए, स्तुति प्रार्थना किए, भोजन करके जब निकलने लगे टहलने के लिए, उनका बहुत देर पहले साला साहब आए थे घर पे बैठे दरवाजे पे। डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप इनका मनुष्य का पूजा करते हैं? शंकर बाबू ने कहा, सुन लीजिए, एक बार बोले सो बोले, यदि आपकी बार पुनः ये बात कभी बोल दीजिएगा आराध्य देव के लिए, मेरा दरवाजा खुला है, आप चले जाइए। सुबह हुआ, वो गुरु महाराज जब कुप्पा घाट में रहते थे, आते थे प्रणाम करने के लिए, गुरु महाराज के चरणों में पुष्प चढ़ाते थे। सुबह नहाए धोए स्तुति प्रार्थना किए, जो भी आने लगे पुष्प तोड़ के, डॉक्टर साहब का साला साहब ने कहा, मैं भी जाऊंगा आपका गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए। चलिए, जो ही गुरु महाराज के पास आते हैं, गुरु महाराज को प्रणाम किए, गुरु महाराज ने कहा, डॉक्टर साहब आप किस मनुष्य का पूजा करते हैं? रोने लगे साला साहब कि मैं तो डॉक्टर साहब को कहा था, ये सही में ईश्वर के रूप में है। तामसेन ने भजन को गाया लेकिन गलत उल्टा पुलटा जाने लगा। हरि दर्शन जी महाराज ने कहा, अरे तामसेन तुम गलत गा रहा है, उल्टा गा रहा है, ऐसे नहीं ऐसे होगा। सरकार हम तो अंधकार में रहते हैं, आपका चरण शरण का एक धूल की कण के बराबर भी नहीं है, हम दिनहीन से भगवान अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, भगवान हम दिनहीन से तो गलतियों पे गलतियों होगा। गुरु महाराज आप दया के सागर हैं, गुरु महाराज आप गलती को हटा दीजिए, आप गा के सुनाइए। जब हरि दर्शन जी महाराज गाने लगे, गाना पर गया, अरे
जानते हैं तुम्हारे से तो बहुत अच्छा गाते हैं हरिदर्शन जी महाराज का सरकार, मैं गाता हूं आपके ऐसे राजाओं को रिझाने के लिए, लेकिन मेरे आराध्य देव आपके ऐसे राजा को रिझाने के लिए नहीं गाते, किन के लिए गाते हैं बेटा? आपके ऐसे राजाओं को रिझाने के लिए वो नहीं गाते, तब किन के लिए गाते हैं? परमात्मा रूपी राजन को रिझाने के लिए गाते हैं। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए जीवन में गुरु के दर्शन हो भी चाहिए, संसार से मन को मोड़ के गुरु के चरणों में मन को लगाओ। जब गुरु के चरणों में मन को लगाएंगे तो सुख होगा, संसार से मन को मोड़ना होगा। आराध्य देव ने कहा, ता जाओ जहां प्रगत मिले वे तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है कर लो साचाने। ब्रह्मा ने कहा मंत्र को जपो, सब मिलके जपो, जपते रहो बने रहो खुशहाल। मंत्र को जपो श्रद्धा के साथ, जब मंत्र को जपेंगे, जब मंत्र में मन लगने लगेगा, तब परमाराध देव ने कहा क्या करना पड़ेगा? तो संसार से मन को मोड़ना होगा। संसार से जब मन को मोड़ लोगे, गुरु मंत्र में जब मन को लगाओगे, धीरे धीरे संसार से मन मुड़ेगा, गुरु के चरणों में लगेगा। जब गुरु के चरणों में मन लगेगा, यही अंधकार जब आंख को बंद करते हैं अंधकार नजर आता है, परम आराध्य देव ने कहा वही अंधकार धीरे धीरे क्या करने लगेगा जानते हो? वही अंधकार जो मोटा रूप में है, वही अंधकार धीरे धीरे बिंदु के रूप में आ जाएगा। बिंदु को पकड़ो दृष्टि, अरे सुख मन में मन मगन हो कहां भजन में। जब बिंदु को पकड़ोगे वो धीरे धीरे वो बिंदु खत्म होके वही बिंदु प्रकाश में ले जाएगा। अब प्रकाश में जब मन लगाओगे, लेकिन दृष्टि अस्थिर, मैं तो काने में थोड़ा समय लगाता है दिया, दृष्टि अस्थिर नहीं, कभी कभी आंख तो दर्द करने लगता है। जो ही प्रकाश में जब दृष्टि को टिकाओगे, शब्द आएगा, वो शब्द एक नहीं बहुत तरह के शब्द, और शब्द को सुनना होगा। नई पनिहारिन नई है गगरी, सीले समत के लगर रसरी, छोटे न गगरी हो छोटे न गगरी। एक हाथ रसरी दूसरा हाथ गगरी, त्रिकुटी महल की डगर पकड़ी। अपनी दृष्टि को जब एकाग्र करेंगे, शब्द सुनाई पड़ेगा, शब्द में भी सुनना पड़ेगा। आराध्य देव ने कहा भादव भव दुख छोरी चलिए, ज्योति ते दीपराइये, और सार शब्द में लीन होई कर मेही गुरु गुण गाइये। परमात्मा रूपी गुरु का गुणगान अपने अंदर में करो, परमात्मा रूपी गुरु का गुणगान जब अपने अंदर में करेंगे, जब हम आपका दृष्टि एकाग्र हो जाएगा, जब गुरु के चरणों में जब मन को लगेगा, तो परमात्मा रूपी सार शब्द को सुनोगे। जब सार शब्द को सुनोगे, परमाराध देव ने कहा पंचम बजे दूरधर से जहां आप विराजे, गुरु की कृपा से तहां पहुंच खोजना। अरे गुरु की कृपा से उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर में धारण करो तो सुख होगा। वक्त नहीं है ए भेरो, अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल कपना होगा। दाम निदम के चंदा चमके, और क्या कहो ए संसार के लोगों, दाम निदम के चंदा चमके, सूर्य तपे ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे भीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। जब बढ़ेंगे तो बाबा कबीर ने कहा, कहे कबीर आनंद भयो है, अंदर मन आनंद होगी, कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। परमात्मा रूपी ढोल का सुनाई पड़ेगा, आनंद में जीवन को लगाएंगे। देवी साहब कहे मी, सुनो चित लगाई के, गुरु भक्ति बिन नाही सफलता। संत कहे क्या करते हैं ऐ संसार के लोगों, संत कहे सब गाय के, सब संत गा गा के वही उपदेश कर रहे हैं।
उठ जाग मुसाफिर भोर भैर, अब रैन कहां जो शोभत है, कहां जा रहे हो? परमात्मा का भजन करो, परमात्मा का भजन करोगे जीवन का तुम कल्याण होगा। तुख लग रही है इसलिए इन शब्दों के साथ अपने विशेष नहीं बदलूंगा। बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की समय जी सवाई किया है। Mm-hmm.